पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में केस में अदालत ने वादा माफ गवाह अमीन भट्ट के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म देते हुए ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में 24 फरवरी तक की तौसी कर दी है। लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग केस की समाअत हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक ने अदालत में हाजिरी लगवाई। तहम एम एन ए ख्वाजा साद रफीक कौमी असेंबली इजलास में शिरकत के बायस पेश ना हो सके। दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज ने ख्वाजा बरादरान के खिलाफ वादा माफ गवाह कैसर अमीन भट्ट की हाजिरी के बारे में इस्तफसार किया, जिस पर नए प्रोसिक्यूटर ने बताया कि कैसर अमीन भट्ट बीमारी के बायस पेश नहीं हो सकते। अदालत ने अमीन भट्ट के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म जारी करते हुए आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब अदालत ने अजीज भट्टी टाउन से पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड नैब को फराहम करने का हुक्म देते हुए ख्वाजा बरादरान की जुडिशियल रिमांड में 24 फरवरी तक के लिए तौसी कर दी है।